हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। वास्तुशास्त्र में पूजा पाठ को लेकर कई जरूरी बातें भी बताई गई हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नियमित रूप से पूजा करने से सुख और शांति आती है और साथ ही सकारात्मकता का प्रवेश भी होता है। वास्तु में देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। इन्हें घर में रखने से जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं, साथ ही आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि वो कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में शिव जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बहुत से लोग घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ और शिवलिंग को रखकर विधि पूर्वक उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो घर में भगवान शिव के नृत्य करती हुई प्रतिमा यानी कि उनकी नटराज मुद्रा को नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब महादेव अत्यधिक क्रोध में होते हैं तभी वह नृत्य करते हैं, इसीलिए महादेव के नटराज स्वरूप की नटराज मुद्रा की मूर्ति घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे कहा जाता है कि घर में कलेश बढ़ जाते हैं और साथ ही सकारात्मकता का वास नहीं हो पाता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी गणेश जी की एक से ज़्यादा प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। घर में हमेशा गणपति की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी को गणेश जी के बाएं और सरस्वती जी को लक्ष्मी जी के दाएं ओर रखना है। इसके अलावा घर में गणेश जी की खड़ी हुई या फिर नृत्य करती हुई प्रतिमा भी कभी नहीं रखनी चाहिए। वहीं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी शनिदेव की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शनि भगवान की आँख को देखने से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप शनिदेव की पूजा अर्चना करने जाएं, तब उनके चरणों की ओर दृष्टि रखें, ना कि उनके मुख की ओर, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यदि आप पर पड़ेगी तो आपका बुरा समय भी शुरू हो सकता है। इसीलिए शनिदेव की दृष्टि से बचना है तो हमेशा उनके चरणों की ओर आपको अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। इसीलिए अगर किसी जातक पर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो उसे जीवन में कई कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी आँखों को कभी भी शनिदेव की आँखों के साथ मिलाना नहीं चाहिए। वहीं ये मान्यता है कि हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से बजरंग बली का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है और सभी कार्यों में सफलता भी ज़रूर मिलती है। लेकिन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि घर के मंदिर में कभी भी हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति को वास्तु के अनुसार घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे घर में रखने से काफ़ी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार राहु या केतु की मूर्ति को घर में तभी रखना चाहिए जब आप नौ ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी राहु केतु की अकेली मूर्ति को घर में ना रखें, वरना इससे आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। तो यदि आप आज तक अपने घर के मंदिर में या घर में ऐसी मूर्तियां रख रहे थे जो वास्तु के अनुसार, जो सनातन धर्म के अनुसार घर में रखनी उचित नहीं है, तो आज ही अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए और ऐसी ही टिप्स के लिए फॉलो कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल सौगंध टीवी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।